हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, और चार ऑप्शंस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हमें बताइए कि भाई क्वांटम नंबर्स क्या चीज है। क्वांटम नंबर ये क्या चीज है पहले बताइए। तो हमें पहले क्वांटम नंबर को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है। तो भाई हमें क्या पता है, हमें पता है कि क्वांटम नंबर से हमें एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिलता है। क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द एड्रेस और लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ एटम। कैसे बताएगा क्वांटम नंबर्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखिए क्वांटम नंबर्स चार तरीके के होता है, हमें पता है। पहला जो तरीका है, टाइप है, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन लेटर से। दूसरा जो क्वांटम नंबर है उसका नाम है क्या, उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल लेटर से। नंबर थ्री इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से। और लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हम डिनोट करते हैं एम एस से। तो देखिए ये चार जो क्वांटम नंबर है ये ठीक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देगा। कैसे? जैसे कि अगर कोई मुझे मेरा एड्रेस पूछे या आपका एड्रेस पूछे, तो हम पहले बताएंगे अपना कंट्री का नाम, उसके बाद में बताएंगे स्टेट का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद हम बताएंगे अपना एक्चुअल एड्रेस और पिन नंबर। ठीक उसी तरह ये जो चार क्वांटम नंबर्स है ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएगा। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, स्मॉल एन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में है और कौन सा ऑर्बिट में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो शेल में है वो शेल के अंदर बहुत सारा सब सेल्स है और सब ऑर्बिट्स है। शेल के अंदर क्या रहता है, सब सेल, वी ऑल नो दैट। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में है। उसके बाद हमें पता है कि भाई सब सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता देगा कि इलेक्ट्रॉन उस सब सेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल में है। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताएगा अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। सो देखिए ठीक हमारे एड्रेस की तरह है, पहले कंट्री, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन पिन नंबर और एक्चुअल एड्रेस। तो इन दिस वे क्वांटम नंबर हमें बताता है एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वहाँ पर एन, एल, एम और एम एस, ये चार क्वांटम नंबर का कुछ वैल्यू दिया हुआ है ना। तो हमें अब जानना पड़ेगा कि ये जो एन, एल, एम एंड एम एस है इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन, और स्मॉल एन के बारे में हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इट डिनोट्स शेल। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा,
स्मॉल एन स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड फ्रॉम वन इट गोज टू इट कैन गो टू इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या हुआ? एन कैन बी वन, एन कैन बी टू, एन कैन बी थ्री एटसेट्रा अप टू इन्फिनिटी. एन इक्वल टू वन मतलब हमें पता है के शेल, एन मतलब टू मतलब एल शेल, एन थ्री मतलब एम शेल. ठीक इसी तरह शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, सेल बढ़ते जाएगा. सो वी नो दैट एन कैन नॉट बी जीरो, एन कभी जीरो नहीं हो पाएगा. सो दिस इज व्हाट वी कीप इन आवर माइंड. सो एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, वन से लेकर इन्फिनिटी तक चलेगा. और एन कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो पाएगा, है ना. तो एन स्टार्ट होगा प्लस वन से और जाएगा इन्फिनिटी तक. तो ये आइडिया हमारा दिमाग में रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अब चलिए फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एन, फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एन, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एन के लिए मतलब कोई एक शेल के अंदर अगर हम जाए तो उसके लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल, एल का वैल्यू क्या हो सकता है. वैल्यू ऑफ एल कैन रन फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन. देखिए इसका मतलब क्या हो गया बताइए. सो मान लीजिए कि एन का वैल्यू है वन, मतलब के शेल. तो के शेल में, के शेल के अंदर अगर हम सब सेल ढूंढे तो क्या मिलेगा वही हमें देखना है. के सेल के अंदर कितना सब सेल्स है तो ये फॉर्मूला में पुट कीजिए, जीरो टू एन माइनस वन. सो एन इज वन फॉर के शेल, सो वन माइनस वन दैट गिव्स जीरो. सो व्हाट वी गेट, वी गेट जीरो टू जीरो. दैट मीन्स ओनली वन सब सेल इज प्रेजेंट विद इन के सेल. के सेल के अंदर सिर्फ एक ही सब सेल है और उसका नाम क्या है, नाम है एस सब सेल. तो इस तरह कोई एक एन के वैल्यू के लिए हमें एल का वैल्यू मिल सकता है. देखिए अब एन इक्वल टू टू तो क्या है, एल शेल. एल शेल में क्या क्या सब सेल हो सकता है. सब सेल कैन रन फ्रॉम जीरो टू टू माइनस वन एल शेल के लिए एन इक्वल टू टू. सो इट कम्स टू बी जीरो टू वन. सो एल शेल के अंदर दो सब सेल है, एक है जीरो और एक है वन. और जीरो मतलब क्या, पहले हमें पता चल गया जीरो मतलब एस सब सेल और वन मतलब क्या, पी सब सेल, है ना. तो ठीक इस तरह हमें एन इक्वल टू थ्री के लिए अगर हम जाए तो क्या पाएंगे, एम शेल के लिए सब सेल होगा जीरो टू टू, दैट इज तीन सब सेल होगा, जीरो वन एंड टू. सो फॉर एन इक्वल टू थ्री हमें क्या मिला, तीन सब सेल, जीरो वन एंड टू. सो इन दिस वे आपको पता चल गया कि कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एन के लिए एल का वैल्यू क्या हो सकता है. एल का वैल्यू स्टार्ट होगा जीरो से और जाएगा एन माइनस वन तक, है ना. मान लीजिए एन इक्वल टू फाइव तो एल का वैल्यू क्या क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो वन टू थ्री फोर. फॉर एन इक्वल टू फाइव एल विल बी जीरो टू एन माइनस वन, दैट मीन्स जीरो टू फाइव माइनस वन, दैट मीन्स जीरो टू फोर. सो हमें अब पता चल गया कि एन और एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है. तो चलिए अब हम स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कर देंगे. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ये जो m है फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ l, m रन्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक,
फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए फॉर एल इक्वल टू वन मतलब पी सबसेल। अब ये पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल है वो हमें जानना है, तो फॉर पी सबसेल हमें एम का वैल्यू देखना पड़ेगा। तो फॉर पी सबसेल एल इक्वल टू वन एम रन्स फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, सो माइनस वन टू प्लस वन, माइनस वन टू प्लस वन मतलब क्या क्या आएगा वैल्यू? माइनस वन आएगा, जीरो आएगा और प्लस वन आएगा। दिस थ्री आर ऑर्बिटल्स। तो एल इक्वल टू वन पी सबसेल में हमें कितना ऑर्बिटल्स मिला? हमें तीन ऑर्बिटल्स मिला, माइनस वन के लिए एक, जीरो के लिए एक और प्लस वन के लिए एक। ठीक इसी तरह अगर हम एल इक्वल टू टू को देखें, दैट इज डी सबसेल को देखें, तो एम वैल्यू विल रन फ्रॉम माइनस टू टू प्लस टू क्योंकि एल है टू। तो क्या क्या मिलेगा हमें? माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन एंड प्लस टू। सो दीज फाइव ऑर्बिटल्स विल गेट इन डी सबसेल। तो इस तरह हमें अब पता चल गया कि फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एल एम रन्स फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, ये वैल्यू के अलावा और कुछ भी वैल्यू नहीं हो पाएगा। और बाकी है लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे इजी है। एम एस स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी ओनली टू, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यू सिर्फ दो ही हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हो सकता है प्लस हाफ और माइनस हाफ। सो एम एस का वैल्यू इन दोनों के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ और प्लस हाफ इन दोनों में कुछ एक होगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब हम सब कुछ जान चुके हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है और स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ ये दो हो सकता है। तो ये आइडिया, ये पूरा आइडिया दिमाग में रखते हुए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और ढूंढते हैं आंसर। देखिए कितना ईजी हो गया अब ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस। सो ऑप्शन वन इज n इक्वल टू फोर, l इक्वल टू टू, m इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू एंड m s इज माइनस हाफ। अब चलिए देखते हैं ये सही है कि गलत। देखिए n इज फोर इज राइट, दिस कैन बी पॉसिबल क्योंकि हमें पता है n का वैल्यू स्टार्ट होता है वन से और जाता है इन्फिनिटी तक, तो n इक्वल टू फोर इज पॉसिबल। अब n इक्वल टू फोर के लिए l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? l कैन रन फ्रॉम जीरो टू फोर माइनस वन मतलब जीरो टू थ्री। सो l का वैल्यू ये तीन ये चार हो सकता है। तो देखिए l इक्वल टू टू, सो येस दिस कैन बी राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। अब l का वैल्यू टू के लिए m का वैल्यू विल रन फ्रॉम प्लस टू टू माइनस टू। देखिए यहाँ पर सही है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। एंड m s इज माइनस हाफ, दैट इज ऑल्सो राइट। m s कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, यहाँ पर माइनस हाफ है। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हमें तो गलत ढूंढना है, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। तो चलिए हम चलते हैं अब ऑप्शन टू के तरफ। ऑप्शन टू में क्या है? ऑप्शन टू में है n इक्वल टू फाइव, l इक्वल टू थ्री, m इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री और m s दिया हुआ है माइन प्लस हाफ। सो चलिए अब देखते हैं फिर से। सो n इक्वल टू फाइव, यस इट इज राइट, n सिर्फ जीरो और माइनस नहीं हो पाएगा, बाकी सब ठीक है। सो n फाइव के लिए l का वैल्यू क्या होगा? l का वैल्यू होगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। अब यहाँ पर थ्री है, सो l का वैल्यू ही राइट है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल रन फ्रॉम माइनस प्लस 3 टू माइनस 3। देखिए वो भी सही है और एम एस भी सही है, तो ऑप्शन 2 का भी सब कुछ सही है। अभी हम आंसर नहीं ढूंढ पाए तो ऑप्शन 3 में चलते हैं, कोई बात नहीं। ऑप्शन 3 में है एन इक्वल टू 4, एल इक्वल टू 3, एम इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, और एम एस का वैल्यू भी दिया है माइनस हाफ। देखिए ये एन इक्वल टू 4 इज राइट, एल इक्वल टू 3 इज ऑल्सो राइट, क्योंकि एल विल बी 0, 1, 2, 3, कैन बी एनीथिंग एमंग दिस 4। एम का वैल्यू जाएगा माइनस 3 से प्लस 3 तक, तो ये भी सही है और एम एस तो ठीक ही है माइनस हाफ। अब बचा है तो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो राइट, एकदम परफेक्ट है, तो ऑप्शन 4 में चलिए। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। एन इक्वल टू 5, एल इक्वल टू 2, एम इक्वल टू माइनस 2, माइनस 1, प्लस 1, प्लस 2, और एम एस दिया हुआ है प्लस हाफ। अब बताइए एन इक्वल टू 5 इज राइट है ना, क्योंकि एन कैन बी एनीथिंग। फॉर एन इक्वल टू 5 एल का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये पांच में से किसी भी हो सकता है एल का वैल्यू, तो एल इक्वल टू 2 इज ऑल्सो राइट। अब एम पे चलते हैं, एल इक्वल टू 2 मतलब एम का वैल्यू होगा माइनस 2, 2 प्लस 2, मतलब माइनस 2 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2। लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो 0 है ही नहीं, और एम एस तो ठीक है प्लस अब वो ठीक है, लेकिन एम का वैल्यू देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर एक 0 होना चाहिए था। तो हमें मिल गया हमारा आंसर, ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन 4। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, सो थैंक यू ऑल।